और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बदलापुर पर सियासत गर्मा गई है। बदलापुर मतलब बदले को राजनीति पर ताजा मामला झीरम घाटी कांड को लेकर उठा है, तो प्रियदर्शनी घोटाले तक पहुंच गया है। झीरम घाटी कांड में जीवित बचे तब के कांग्रेसी और अब बीजेपी नेता शिवनारायण द्विवेदी ने इस मामले में मंत्री कवासी लखमा के नार्को टैक्स की मांग उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भी प्रियदर्शनी घोटाले को सामने कर पूर्व सीएम रमन सिंह के नार्को टैक्स की मांग उछाल दी है। चर्चा करते हैं इसी जुबानी रंग पर। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी मामले में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। ये गर्माहट झीरम हमले में घायल हुए शिवनारायण द्विवेदी के इस मामले में मंत्री कवासी लखमा को कटघरे में खड़ा करने के बाद गर्माई है। न्यायिक जांच के सामने शिवनारायण द्विवेदी ने कवासी लखमा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कहीं न कहीं लखमा की भूमिका इस घटना में संदिग्ध है, क्योंकि उन्होंने नक्सलियों को कहा कि मैं कवासी लखमा हूं। तब नक्सलियों ने उन्हें छोड़ दिया और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संत कुमार पटेल सहित अन्य नेताओं को लेकर नक्सली जंगल में ले गए और बाद में गोलियां चलने की आवाज आई। शिवनारायण के बयान के बाद इस मामले में बवाल मचा और दो दिन से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखमा ने पलटवार करते हुए उन पर आरोप लगाया है कि शिवनारायण द्विवेदी किस पार्टी के हैं वह खुद ही नहीं जानते हैं। लखमा ने उन्हें सलाह देते हुए कहा है कि झीरम घाटी हमले में नार्को टेस्ट पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, तत्कालीन डीजीपी मुकेश गुप्ता और सुकमा और बस्तर जिले के एसपी रहे, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का, उस समय का डीजीपी का, उस समय का डीजी का, मुकेश गुप्ता का और या तीनों जिला दोनों जिला का एसपी का और उस समय का गृह मंत्री का, उसके बाद कोई भी आदमी नार्को टेस्ट करने में सब कराना चाहिए और जांच होना चाहिए। झीरम घाटी मामले में नार्को टेस्ट की मांग पर बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। झीरम मामले में नार्को टेस्ट की मांग पर कांग्रेस ने प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने प्रियदर्शनी बैंक घोटाले से जुड़े 5 सवालों का जवाब बीजेपी से मांगा है। इस दौरान कांग्रेस ने प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का नार्को टेस्ट वीडियो भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि नार्को टेस्ट की बात कर रही भाजपा पहले तो ये बताए कि प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के नार्को टेस्ट का क्या करें, इस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट थाने की अदालत तक भाजपा के शासनकाल में क्यों नहीं पहुंचाई गई, क्यों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज तक जवाब नहीं दिया कि घोटाले के मुख्य अभियुक्त उमेश सिन्हा ने करोड़ रुपए देने की जो बात कही उसमें कितनी सच्चाई है। रमन सिंह ने मंत्रियों को करोड़ों रुपए घोटालों को दबाने के लिए दिए गए या नहीं, भाजपा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के नार्को टेस्ट को तो सच स्वीकार करती है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो बताए प्रियदर्शनी बैंक मामले के नार्को टेस्ट का क्या करें, क्यों इस रिपोर्ट को नार्को टेस्ट रिपोर्ट को थाने से अदालत तक भाजपा के शासनकाल में नहीं पहुंचाया गया, क्यों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने आज तक जवाब नहीं दिया कि घोटाले के मुख्य अभियुक्त उमेश सिन्हा ने 1 करोड़ रुपए देने की जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है। रमन सिंह जी के मंत्रियों को जो करोड़ों रुपए घोटाले को दबाने के लिए दिए गए या नहीं, और अगर दिए गए तो क्या वही घोटाला था। नार्को पर भाजपा को इतना ही भरोसा है तो भाजपा पहले यह तो बता दे कि प्रियदर्शनी घोटाले के नार्को टेस्ट को वो सच स्वीकार करती है या नहीं करती है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, छत्तीसगढ़ में सियासत बदलापुर की राजनीति शुरू हो गई है, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए,
देखिए चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव अभी होने हैं और बीते जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव रहे हैं उसमें भी इसी तरह की चीजें आती रही हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं उसमें जो स्थानीय स्तर पे कामकाज रहते हैं वो तमाम मुद्दे रहते हैं, लेकिन उनके बीच में जो ये मुद्दा अभी गर्मा गया है झीरम को लेकर के कि जो न्यायिक आयोग के समक्ष बयान दिए जा रहे हैं शपथ पत्र के साथ जो बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं जिसमें कि खुद शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि संचार विभाग के प्रमुख हैं कांग्रेस के वो और शिवनारायण द्विवेदी जो कि पहले कांग्रेस में थे बाद में अब बीजेपी में हैं, तो उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए उनमें सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से आपसी बयानबाजी है कि कैसे बयानों के साथ जो आम जनता के बीच में है अपने आप को बेहतर मजबूत दिखाया जा सके बताया जा सके, ये एक दूसरे पर इसी तरह के आरोप लगाते रहेंगे। जो जांच है वो उसी स्तर पे जांच चल रही है उससे कोई किसी तरह का कोई उस पर असर पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं नजर आता है। तो बदलापुर की राजनीति का आरोप तो तभी से लग रहा है कांग्रेस के ऊपर जब से वो सत्ता में आई है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आते रहे हैं, पूर्व सरकार के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें सीधे तौर पे आरोप बड़े नेताओं पे लगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी से पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी मसा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार सुंदरानी जी, छत्तीसगढ़ में बदलापुर की सियासत जो है राजनीति गर्मा गई है, किस तरह से इसे देखा जाए, क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए जहाँ तक बदलापुर की बात है तथ्यात्मक पर है, इतनी सारी एसआईटीओ का गठन किया गया, सारे के सारे मामले हाईकोर्ट में जाकर शून्य की स्थिति में पहुंच गए, सब में जमानत हो गई और लगातार सरकार रमन सिंह जी के परिवार और मुकेश गुप्ता के तक सीमित होकर रहेगी पूरी सरकार की कार्यप्रणाली। जहां तक हम प्रियदर्शी बैंक की बात हमारे मित्र भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने उठाया, करोड़ों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रियदर्शनी बैंक के जितने भी डायरेक्टर थे वो किस दल से संबंध रखते हैं, ये बता पाएंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? सारे के सारे बैंक डायरेक्टर किस दल से जुड़े हुए लोग हैं और किन के ऊपर सुई घूम रही थी भ्रष्टाचार की? बैंक का डूबने का कारण, जनता के पैसे के डूबने का कारण कौन लोग थे वे डायरेक्टर जिन्होंने इस प्रियदर्शनी बैंक को चालू किया था? पर हम देखें यहाँ पर शुरुआत तो आपकी सरकार ने की ना, आपके नेता लगातार ये बात मुद्दा तो आपकी सरकार ने उठाया है ना? नहीं नहीं, प्रियदर्शनी बैंक सीधा सीधा कांग्रेस से जुड़े सारे नेता उसके डायरेक्टर रहे, जो भी प्रियदर्शनी बैंक का बुरा अर्थ हुआ उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं ये तय हो जाना चाहिए, जांच कराए ना। अब तो कांग्रेस की सरकार है, प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच क्यों नहीं कराती? वे चेहरे उजागर हो जाएंगे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, किसी के बोल देने से थोड़ी हो जाएगा कि रमन सिंह जी को 1 करोड़ रुपए दिया, ब्रिजमोहन जी को दिया, मोड़ा जी को दिया, ये कहने से थोड़ी हो जाएगा। कहने का तथ्य तो ये है कि जितने भी डायरेक्टर थे प्रियदर्शनी बैंक के वो कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी, कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहे हुए लोग थे। सुंदरानी जी, पर बैंक के मैनेजर हम देखें, प्रियदर्शनी बैंक के मैनेजर देखें तो वो भी इधर आरोप लगा रहे हैं ना? देखिए अब इन्होंने तो 4 साल नान घोटाले में आरोपी रहे शिवशंकर भट्ट, उनका कलमबंद बयान करा दिया, जो 4 साल जेल में रहा जिस आरोप में जेल रहा उनको आप ये से बोल रहे हैं, नार्को टेस्ट को आप सही मानते हैं या नहीं मानते? देखिए नार्को टेस्ट सही है, नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये इसकी तो जांच करा लेना। मैं तो चुनौती देता हूँ कांग्रेस की सरकार को कि प्रियदर्शनी बैंक की नए सिरे से जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों नहीं कराती सरकार 10 महीने से? अगर प्रियदर्शनी बैंक में भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी कोई हाथ है तो जांच क्यों नहीं कराती? इतनी एसआईटी गठित कर डाली सरकार आने के बाद। चलिए चलिए, हमारे साथ शैलेश जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर नार्को टेस्ट की बात की जा रही है तो क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिस वजह से आपकी सरकार ना कर रही है कि नहीं ये टेस्ट नहीं होने चाहिए, अगर टेस्ट होते हैं तो रमन जी के भी टेस्ट हो? नहीं नहीं नहीं, सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नार्को टेस्ट कवासी लखमा का कराया जाए।
हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हमला उस जगह हुआ जहां पर रमन सरकार ने सुरक्षा नहीं दी थी, ठीक वही हमला हुआ जहां पे सुरक्षा नहीं थी, तो इससे स्पष्ट है। तो कवासी लखमा जी पर झूठे निराधार आरोप लगाने के बजाय रमन सिंह जी, इनकी सरकार के गृह मंत्री, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी अपने आप को नार्को टेस्ट के लिए प्रस्तुत करें। चलिए वो प्रस्तुत करें, पर आपको क्या आपत्ति है? आप कवासी लखमा का नार्को टेस्ट में आपको क्या यहाँ पर आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि वो। पर सवाल ये भी तो उठता है ना, वहाँ से सुरक्षित कवासी लखमा निकल गए थे कहीं ना कहीं? नहीं, सुरक्षित बहुत सारे लोग निकले थे, सिर्फ कवासी लखमा नहीं निकले थे। जो शिवनारायण द्विवेदी आरोप लगा रहे हैं वो भी सुरक्षित निकले थे, शिव सिंह ठाकुर भी आए थे, सुरेंद्र शर्मा भी आए थे, सिर्फ कवासी लखमा नहीं आए थे। और अगर हमले की संभावना पे कवासी लखमा उसके बावजूद वहां पर गए तो ये साबित करता है कि कवासी लखमा का इसमें कोई हाथ नहीं। हाथ था तो भाजपा सरकार का था जिसने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दी, सुंदरानी जी यात्रा को हजारों की सुरक्षा दी और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा से वंचित रखा। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है माओवादियों के साथ, सुपारी किलिंग है ये, साजिश है आपकी पार्टी की। सुंदरानी जी क्या कहेंगे आप? माओवादियों से किसके रिश्ते हैं ये जग जाहिर है। भारतीय जनता हमारी पूरे की पीढ़ी की शहादत हुई है माओवादियों के हाथों। सुनिए मुझे बात पूरी करने दीजिए। जब झीरम घाटी की घटना हुई दुर्भाग्यजनक घटना थी, लेकिन कवासी लखमा वहाँ पे सुरक्षित बाइक लेके वहाँ पे खड़ी एक बाइक को लेके निकल जाते हैं। अपने नेताओं की शहादत हो रही है और ऐसे समय में बाइक लेके निकल जाना वहाँ से। चलिए 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 सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।